गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आप क्लास 11 का यूनिट फर्स्ट पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे आप, द जर्नी ऑफ माय लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट, मतलब मेरे जीवन की यात्रा पृथ्वी से लेकर एवरेस्ट पर। यह एक रियल इंसिडेंट्स है, वास्तविक घटना, जिसमें अरुणिमा सिन्हा एक गर्ल्स है, वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर्स है, और उसके जीवन में जो वास्तविक घटना घटी उसने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। किस प्रकार वह संघर्ष करती हुई पृथ्वी पर से एक एवरेस्ट तक लंबा सफर तय किया, और उसके जीवन में जो घटना घटी, घटना उसको प्रताड़ित किया गया, उसका एक पैर कट गया, और किस तरह हुआ, वही अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें उसने बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अरुणिमा सिन्हा वाज ए नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। व्हेन शी वाज ट्रेवलिंग ऑन ए ट्रेन, जब एक बार वह ट्रेन से यात्रा कर रही थी, सम ठग टायर टू स्नैच हर गोल्डन चेन, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लुटेरे ठग उसके गोल्डन सुनहले सोने के चेन को स्नैच करने का, जबरदस्ती खींचने का प्रयास किया। शी फॉट बैक, उसने इसके विरुद्ध में उनसे फाइट किया, लड़ाई लड़ा, बट वाज थ्रोन आउट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन, लेकिन उन लुटेरे की संख्या ज्यादा थी और उसको जो है एक चलती हुई ट्रेन में थ्रोन आउट कर दिया गया, उसको बाहर फेंक दिया गया। एंड लोस्ट हर लेफ्ट लेग, और उसी दौरान उसने अपना बायां पैर खो दिया। दिस हैपनेड व्हेन शी वाज 24, यह घटना जब वह 24 साल की थी उसके जीवन में घटा। हाउ एवर दिस एक्सीडेंट नेवर अफेक्टेड हर स्पिरिट, जैसा कि यह दुर्घटना जो उसके जीवन में घटा उसकी भावनाओं को, उसके अंतर्ज्ञान को कभी प्रभावित नहीं किया। एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली एन आर्टिफिशियल लेग वाज फिटेड, मतलब ऑल इंडिया जो संस्था थी मेडिकल साइंस का, दिल्ली में आर्टिफिशियल एक कृत्रिम पैर इलाज हुआ और उसको लगा दिया गया। ए ईयर्स लेटर शी वाज रिट्रेनेड एज ए माउंटेनर, ए ईयर्स लेटर एक साल के बाद उसने रिट्रेन किया, मतलब अपने आप को खुद प्रशिक्षित किया माउंटेनर, मन पर्वतारोही, पर्वतारोहण पर चढ़ने का। एंड बिकेम द फर्स्ट फेमर विथ एन आर्टिफिशियल लेग टू स्केल माउंट एवरेस्ट, और अपने नाम को भारतीय इतिहास यानी भारत के इतिहास में प्रथम महिला के रूप में जो आर्टिफिशियल एक कृत्रिम पैर रह करके उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ख्याति अर्जित की। दिस इज हर अनफॉरगेटेबल स्टोरी ऑफ होप करेज एंड इंस्पिरेशन, यह उससे जीवन से जुड़ी हुई न भूलने योग्य, अनफॉरगेटेबल, जिसको भुलाया ना जा सके, ऐसी कहानी है जो आशा की, साहस की और अन्य व्यक्तियों को एक प्रेरणा स्रोत प्रेरणा देती है। लेट अस रीड फोर सेशन ऑफ हर लाइफ नरेटेड इन हर ओन वर्ड, आओ हम उससे जीवन से जुड़ी हुई कहानी जो अपने शब्दों में उसने व्यक्त किया है, उसने चार स्टेप में बताया है। सीन फर्स्ट, आई हैड स्टार्टेड टूजिंग, वह ट्रेवलिंग कर रही है ट्रेन में, तो अपने जीवन से जुड़ी हुई कहानी बता रही है कि मैं स्टार्टेड डोजिंग, ट्रेन में बैठी थी कंपार्टमेंट में और हल्का सा जम हाई लिया। माय आईज वेयर क्लोजेड बट माय माइंड वाज अवेक, मैंने अपनी आंखों को तो बंद किया था लेकिन जो मेरा दिमाग था वो रनिंग था।
जग रहा था। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, समवन सीइंग डैट बेरली वुड कम आफ्टर सम टाइम, जो बेरली स्टेशन है वह कुछ समय के बाद आने वाला है। आई वॉज इन डीप थॉट, मैं गहरी विचारों में खोई हुई थी। व्हेन आई फेल्ट, महसूस किया ए हैंड टगिंग एट माई गोल्डन चेन, एक हाथ उस मेरे गोल्डन सुनहरे सोने के चेन को टचिंग कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ए गर्ल सिक्स सेंस इज ऑलवेज हर बेस्ट कंपेनियन, एक महिला को जो ज्ञानेंद्री होती है, सिक्स सेंस आंतरिक ज्ञान, उसका हमेशा एक बेस्ट उच्च कोटि का साथी होता है। आई इंस्टिंक्टिवली ओपनेड माई आई, जस्ट आई ओपनेड माई आईज एंड सा फोर आर फाइव यंग मैन अराउंड मी, तो मैंने देखा अपने आईज अपने आंखों को खोल करके चार से पांच व्यक्ति मेरे चारों तरफ खड़े हैं। दियर ड्रंकेंस लुक्स एंड बिहेवियर गेव मी एन इन क्लिंग ऑफ दियर इंटेंशन, उनकी बड़ी बड़ी काली भयानक आंखें और उनके व्यवहार मुझे सचेत होने पर मजबूर किया, सतर्क होने पर। आई स्टूड अप इन ए फ्लैश, मैं अपने आप को सतर्क किया और एक तेज गति के साथ फ्लैश से खड़ी हुई। टू टेल देम डैट आई हैड नो इंटेंशन टू पार्टिंग विथ माई चेन, और मानो मैंने जवाब में कहा कि मैं अपने उस जंजीर को सोने के चेन को आपको नहीं दूंगी। सो दे केम टूगेदर एट मी, तो इस प्रकार मेरे इस जवाब से मेरी इस प्रतिक्रिया से वे लोग सब टूगेदर समूह में आ गए साथ में। इवन दाव द कंपार्टमेंट वॉज फुल, जैसा कि पूरा वह बोगी वो डिब्बा ट्रेन का भरा हुआ था। नन ऑफ माई फेलो पैसेंजर गोट अप टू इवन इंक्वायरी, मेरे अगल बगल जो भी व्यक्ति जो भी पैसेंजर बैठे थे उनमें से कोई भी ये जांच पड़ताल की नहीं आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है। फॉरगेट अबाउट, ऐसा प्रतीत होता था कि वे लोग मानो भूल गए हों। दियर कमिंग टू माई रेस्क्यू, मेरा बचाव के पक्ष में कोई नहीं आया। आई हैड नो ऑप्शन बट टू टेक डिमांड, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, खुद से मैं अपनी रक्षा करूँ। सो आई कॉट ए यूथ, तो इस प्रकार मैं तैयार हुई और एक युवा व्यक्ति को पकड़ा। हु वॉज ट्राइंग टू साइज मी अप, तो मेरी तरफ आ रहा था। बाई हिज कॉलर एंड पुश हिम बैक, मैंने उसके कॉलर को पकड़ा और पीछे की तरफ ढकेल दिया। आई किकेड ए कपल ऑफ देम, इसके बाद मैंने दो को किक किया, पैर से मारी। एंड एक्सप्रेशनल्स पैटर्न हैड बिगेन इनसाइड द ट्रेन ऑन द मूव, एक अजीबोगरीब एक अजीब सी युद्ध उस चलती हुई मूविंग ट्रेन में शुरू हुआ हमारे और उन ठगों के बीच। द वुल्फ मेड अनदर अटेम्प्ट, उस भिगड़िए जैसे व्यक्ति दूसरा प्रयास किया। टू स्नैच माई चेन, मेरे जंजीर को मेरे चेन को खींचने का। स्टील आई रेसिस्टेड, इसके विरोध में मैंने विरोध किया, इसके जवाब में। अनटिल वन ऑफ देम ड्रिवन बाय ए फ्रेंजी गेम मी ए एक्स्ट्रा हार्ड किक, उनमें से बचाव करती हुई एक व्यक्ति ने एक जबरदस्त हार्ड किक किया। यूजिंग ऑल हिज फोर्स, अपने पूरे बल के साथ